हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कुछ नए वर्ड्स जिनसे आप कर सकते हो लड़कियों की अच्छी तारीफ, क्योंकि हम सभी को जब भी लड़कियों की तारीफ करनी होती है तो हम लोगों के पास बस एक ही वर्ड मोस्टली याद आता है, ब्यूटीफुल। लेकिन फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, लड़कियाँ इतनी प्यारी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते बोलते ये काफ़ी पकाऊ हो चुका है। तो आज हम उन वर्ड्स को सीखेंगे जिनसे हम उनकी तारीफ में लगा सकते हैं चार चांद। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वही पुरानी, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फ्री में ही है और पास में ही होगा बेल आइकन का बटन, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ऐसी लड़की की तारीफ़ के लिए कोई वर्ड यूज करना है जो बहुत ही ज़्यादा चमकने वाली लड़की हो, या उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार हो, जगमगाहटदार उसकी पर्सनैलिटी हो, तो आप उसकी तारीफ़ के लिए ब्यूटीफुल ना बोलकर आप बोल सकते हो डैजिंग। यू आर जस्ट डैजिंग गर्ल। इसका मतलब होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चकित कर देने वाली हो, तुम बहुत ज़्यादा जगमगाहट से भरी हो। और ये तारीफ़ सुन के ना, ये वर्ड सुन के वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी आपसे। तो यूज़ कीजिएगा डैजिंग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स होता है गजब, यानी आपको जब किसी गजब टाइप की लड़की की तारीफ़ करनी हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, अमेजिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जब आप किसी को अमेजिंग बोलते हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी इस तरीके की तारीफ़ को सुनकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पार्की। स्पार्की मीन्स होता है उज्ज्वल या जोश से भरा हुआ। तो अगर आपको किसी ऐसी लड़की की तारीफ़ करनी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिख रही हो, या बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल जिसको बोल सकते हो, या आपको बहुत ही जोशीली लग रही हो, तो आप उसकी तारीफ़ के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पार्की। काफ़ी अच्छा वर्ड है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही प्यारा है, ये है गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स होता है मनमोहक, यानी आपके जो दिल को चुरा ले। तो अगर किसी की ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी, यानी कोई गर्ल आपको इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है जिसने आपके मन को चोरी कर लिया हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, गॉर्जियस। काफ़ी अच्छा वर्ड है, यूज़ कीजिएगा तारीफ में, आपको काफ़ी स्मार्ट जैसी फीलिंग आएगी बोलते वक्त। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स हमारा है स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स होता है चौंका देने वाली खूबसूरती। तो अगर आपको किसी ऐसी लड़की की तारीफ करनी है जिसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली हो, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टनिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है, आप तारीफ में इसको यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हर लड़कियां तो खूबसूरत होती ही हैं। अगर वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही हिम्मती और साहसी भी हैं, तो आप उनकी तारीफ़ के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी या हिम्मती। तो आप जब इस वर्ड को यूज़ करते हो तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, तो यूज़ कीजिएगा उनकी तारीफ में बोल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ऐसी लड़की की तारीफ़ करनी है जिसकी अदाएं भी बहुत कातिलाना हो, यानी जिसकी अदाएं भी आपको बहुत प्यारी लगती हो, जो कुछ भी करती हो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो उसकी तारीफ़ के लिए आप बोल सकते हैं चार्मिंग। इसे चार्मिंग भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दिलकश या मन मोह लेने वाला। तो आप तारीफ में बोल सकते हैं चार्मिंग या चार्मिंग, जो भी आप इसको प्रोनंसिएशन करते हैं उस तरीके से उनकी तारीफ कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा वर्ड है और काफ़ी यूनिक सा है, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा तारीफ में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेविशिंग।
रेविसिंग मीन्स होता है आकर्षक, यानी कोई ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल जिससे आपकी नज़र ही नहीं हट रही। तो आप उसकी तारीफ़ के लिए ये वर्ड प्यारा सा यूज़ कर सकते हैं, यू आर लुकिंग रेविसिंग, यानी तुम बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रही हो। फ्रेंड्स इसे यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्ड है रेविसिंग, और बहुत ही अपने आप में यूनिक सा भी है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है मैजेस्टिक। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भव्य या वैभवी। इसका मतलब आप लोग इस सेंस में लगा सकते हैं कि जिसकी पर्सनैलिटी ना बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लेवल की हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यानी जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही, जिसकी हाइट पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं मैजेस्टिक, यानी वैभवी या भव्य पर्सनैलिटी। तो आप ये भी तारीफ में यूज़ कर सकते हैं मैजेस्टिक। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है, समझ लीजिए जैसे आप किसी आठवें अजूबे की तारीफ़ करने जा रहे हैं, मतलब उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो आपको अगर इस तरीके की तारीफ़ के लिए कोई वर्ड बोलना है तो आप बोल सकते हैं वंड्रस। वंड्रस मीन्स होता है कि सबसे अलग, सबसे शानदार। तो आप भी इस वर्ड को तारीफ़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, वंड्रस, काफ़ी प्यारा है, यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको भी फील होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।